हेलो दोस्तों, दिस इज राहुल सर। स्क्रीन को देखकर आप लोग अंदाजा लगा लिए होंगे कि आज हमारे चर्चा का विषय क्या है। DFCCIL की एक बड़ी अनाउंसमेंट के बाद हमने डिसाइड किया है कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की वीडियो लेक्चर भी ये रिकॉर्डेड मीडियम से आपको भेजी जाएंगी। अगर किसी भी एग्जाम में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के वेटेज की बात किया जाए तो ये 4 से 5 क्वेश्चन नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते हैं, और अगर DFCCIL की बात किया जाए तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का अपना एक अहम रोल होता है। तो साथियों, इसी बात को ध्यान रखते हुए हमने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पर चर्चा स्टार्ट की है। अब बात किया जाए ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन की, तो किसी भी भूभाग या टेरेन को डेवलप कहा जाए, या चाहे वो सोशली और चाहे इकोनॉमिकली, अगर डेवलप है तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है। यदि किसी भी भूभाग का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जितना अधिक अच्छा होगा तो ये माना जा सकता है कि वहां के लोग उतना ही ज्यादा क्या होंगे, वो सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप होंगे। अगर बात किया जाए दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन कितने माध्यम से होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन आपका 3 माध्यम से होता है। एक होता है लैंड और यानी जमीन के माध्यम से, दूसरा होता है वाटर यानी पानी के माध्यम से, और तीसरा होता है एयर यानी हवा के माध्यम से। अब जमीन पे अगर बात किया जाए तो इंसान जमीन पर चलने के लिए 2 रास्ते अपनाए, एक रोड का रास्ता अपनाया और दूसरा रेलवे अपनाया, ठीक। और वाटर की अगर बात किया जाए तो इंसान जल के माध्यम से, समंदर के माध्यम से, नदियों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, आज भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। इन सभी माध्यम में अगर बात किया जाए कि सबसे सस्ता माध्यम यानी सबसे इकोनॉमिकल मीडियम कौन सा होता है, कौन सा मोड होता है, तो साथियों वाटर वे जो होता है वो सबसे इकोनॉमिकल होता है। लेकिन अगर सबसे कॉस्टली बात किया जाए तो एयर वे जो होता है, यानी कि एयर वे जो होता है हवाई जहाज के माध्यम से जब भी ट्रांसपोर्टेशन आप करेंगे वो सबसे महंगा होता है। तो आइए हम बात करते हैं लैंड ट्रांसपोर्टेशन यानी जमीन पर परिवहन। तो जमीन पर परिवहन इंसान आज से नहीं, बहुत पहले समय से करता आ रहा है। तो उसने जो है धीरे धीरे विकास किया और 2 तरह से क्या किया, जमीन पर ट्रांसपोर्टेशन प्रारंभ किया। एक है रोडवे और दूसरा है रेलवे। रोडवे यानी आप समझ रहे हैं कि हाईवे या फिर जो भी है रोड का हिस्सा वो यहाँ पे आता है, और रेलवे क्या है, एक अलग से एक ब्रांच हो जाता है, ठीक। तो साथियों ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो है वो सब्जेक्ट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ना आसान हो तो इस सब्जेक्ट को 4 हिस्से में लोगों ने क्या किया, बांट दिया। पहला जो सब्जेक्ट बनता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में वो होता है हाईवे इंजीनियरिंग, दूसरा क्या है, दूसरा है रेलवे इंजीनियरिंग। अब वाटर वे में अगर बात किया जाए तो वाटर यानी पानी के माध्यम से इंसान जो है वो जो जो सब्जेक्ट पढ़ता है वो डक एंड हार्बर इंजीनियरिंग यानी कि बंदरगाह और पोत और बंदरगाह इंजीनियरिंग। और एयर वे में जो होता है वो आपका एयरपोर्ट इंजीनियरिंग पढ़ा जाता है। तो सिविल इंजीनियरिंग क्या करता है साथियों, किसी भी अगर बात किया जाए रोडवे यानी हाईवे इंजीनियरिंग में, तो हाईवे इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है, ठीक। और सिविल इंजीनियरिंग का रोल क्या होता है वो समझ लीजिएगा कि हाईवे की प्लानिंग करता है, मेंटेनेंस करता है, डिजाइन करता है और कंस्ट्रक्शन करता है। यही काम जो है कौन करता है, सिविल इंजीनियर करता है। तो हाईवे इंजीनियरिंग होता क्या है, आप नोट्स उठाइए और लिखना प्रारंभ करिए। हाईवे इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के एक ऐसी ब्रांच होती है जो कि रोड की प्लानिंग करती है, डिजाइन करती है, कंस्ट्रक्शन करती है और जरूरत पड़ने पर उसका मेंटेनेंस करती है। यानी हाईवे इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग की एक ऐसी ब्रांच है जो रोड के प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और डिजाइन के बारे में चर्चा करता है। वो सब्जेक्ट जो होता है वो कौन सा कहलाता है? हाईवे इंजीनियरिंग कहलाता है। अब बात किया जाए रेलवे इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, तो रेलवे इंजीनियरिंग भी किसकी एक ब्रांच है? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की एक ऐसी ब्रांच जो कि रेलवे ट्रैक, यार्ड, रेलवे स्टेशन इन सब के प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस की बात करता है वो क्या कहलाता है? रेलवे इंजीनियरिंग कहलाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की एक ऐसी ब्रांच, फिर से नोट करिएगा, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की एक ऐसी ब्रांच जो बंदरगाह के निर्माण, कंस्ट्रक्शन या फिर मेंटेनेंस, डिजाइन और प्लानिंग इन सब की चर्चा जो करता है सब्जेक्ट, वो कौन सा कहलाता है? आपका डक एंड हार्बर इंजीनियरिंग कहलाता है। तो इसको नोट करिएगा एक लाइन में, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की एक ऐसी ब्रांच जो जो बंदरगाह के प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस की बात करता है वो डक एंड हार्बर इंजीनियरिंग कहलाता है। इसी तरह से एयरपोर्ट इंजीनियरिंग क्या होती है? जो एयरपोर्ट के प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस की बात करता है वो क्या कहलाता है? आपका एयरपोर्ट इंजीनियरिंग कहलाता है। दोस्तों, इन चार तरीके के अलावा भी लोगों को ने अलग तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अपनाया है, तो वो जो होते हैं वो अदर वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहलाते हैं। आपने सुना होगा कि जब हिली जोन में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंसान रोप वे का इस्तेमाल करता है। रोप वे क्या होता है? रस्सी रहती है, दो हिस्सों को आपस में रस्सी यानी केबल के मदद से जोड़ दिया जाता है और उसी पे लगा दी जाती है बाल्टी नुमा एक बैग होता है जिस पर सामान को रख के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो अदर वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो बात किया जाए वो पहला है रोप वे, दूसरा है बेल्ट एंड कन्वेयर। कंपनी में सामान को एक जगह से, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बेल्ट और कन्वेयर का यूज किया जाता है। और हाल ही में आपने सुना होगा हाइपर लूप। हाइपर लूप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थियरी पर काम करने वाला एक लूप होता है जो एक छोटा सा रेलवे ट्रैक, रेल जैसा ही होगा पर एक रेल की एक डब्बे के बराबर होगा और मैग्नेटिक थियरी पर काम करेगा ये। और ये बहुत ही तेज, ये ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम को जो अभी तक चला रहा है उससे 10 गुना जो है इफिशियंट होगा और सस्ता भी होगा। ये अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो अदर वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात किया जाए तो रोप वे हो गया, इसके अलावा बेल्ट एंड कन्वेयर हुआ और हाल ही में जो लॉन्च हुआ है वो हाइपर लूप हो गया। ये सब जो तरीके हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके अदर वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अदर वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहलाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हम जो सबसे पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका सब्जेक्ट होगा होगा हाईवे इंजीनियरिंग। तो हाईवे इंजीनियरिंग की अगर बात किया जाए तो बेसिकली जिस राइटर को हम फॉलो करेंगे वो खन्ना एंड जस्टो होंगे। इसके डेटा जो हैं वो लगभग ना के बराबर गलत हैं। तो हम जो भी अगर आपको बातें बता रहे हैं ये सही कितना और कितना गलत हैं ये पूरी तरह से हम खन्ना एंड जस्टो को फॉलो करते हुए बताएंगे। अब बात करते हैं सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग की। तो हाईवे इंजीनियरिंग में हम जो सबसे पहली टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। जी हाँ, आप यहाँ पे पढ़ेंगे क्या कि इंसान जो है रोड का बहुत पहले यानी से कि आज से 3500 से 4000 वर्ष पहले से आज तक में रोड में क्या क्या डेवलपमेंट किया है और पहले और आज के रोड में क्या डिफरेंस है, पहले का सिस्टम कैसा था आज का सिस्टम कैसा है और रोड डेवलपमेंट में कितनी सारी
बाधाएं आई, कौन कौन सी कमेटी आई, इन सब बारे में जो चर्चा करेगा टॉपिक, उस टॉपिक का नाम होगा हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो अगले वीडियो लेक्चर में आप पाएंगे हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। ठीक, ओके, थैंक यू डियर।